नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों आज मेरे पास एक बहुत बेहतरीन कमेंट आया और उस कमेंट का जवाब देने का मेरा बहुत मन कर रहा है। वो कमेंट किया है टेक्निकल कुसुम जी ने। टेक्निकल कुसुम जी ने लिखा है, मेरे को डॉक्टर ने कहा कैविटी नहीं है, पिट्स है। अब वो कह रही है कि क्या अंतर है पिट्स में और कैविटी में। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है ये। कुछ लोगों को भ्रम रहता है, कुछ लोगों के दांत में जो दिक्कत होती है, कुछ लोग कहते हैं कैविटी है, कुछ लोग कहते हैं ये गड्ढे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो कुसुम जी, आपके दांत में हल्के हल्के गड्ढे हो जाते हैं, वो एक टाइप की कैविटी होती है, पर वो शुरुआती लक्षण होते हैं जिसके कारण आपके दांत आगे सड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? जब आप खाना खाते हैं तो खाना उन गड्ढों में जाके बैठ जाता है। भाई शुरुआत में गड्ढे कोई से भी हो साफ सुथरे रहते हैं, क्योंकि आप ब्रश करते हैं तो गड्ढों के अंदर जितना भी कचरा होता है या भोजन के कण होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये जब तक आप साफ करेंगे वो साफ होता रहेगा, पर गड्ढा नहीं भरेगा। उस गड्ढे में जाकर खाने के कण बैठ जाएंगे और वहां पर बैक्टीरिया पैदा होंगे और जिसके कारण दांत में सड़न शुरू होगी और फिर कैविटी बननी शुरू हो जाएगी। तो पिट्स शुरुआती लक्षण है दांतों में कैविटी बनने के। तो आप इसमें दांतों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा सकते हैं, जिसे कि सीलेंट कहते हैं। जैसे कि ये दांत है, ये दांत में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। ऊपर की जो परत है एनेमल, वो वाइट वाइट होती है, वो हटने के बाद उसमें डेंटाइन एक्सपोज हो गई है। तो ये नेक्स्ट स्टेज पर आ गया है और फर्स्ट स्टेज में आपको दिखला देता हूँ। टेक्निकल कुसुम जी, दांतों पर जब आपको हल्के हल्के डॉट्स दिखाई दें, भले उनमें सड़न ना हो, दांतों में दर्द ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बावजूद भी वो खतरनाक होते हैं। उनमें गड्ढे जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। बढ़ने का कारण यही है, जब वो बहुत छोटे छोटे गड्ढे हैं, आप खाना खाएंगे उन छोटे छोटे गड्ढों में खाने के कुछ कण जाकर बैठ जाते हैं, जो कि अगर सफाई की जाए तो निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सही से सफाई ना हो तो वो वहाँ पर सड़न शुरू कर देते हैं, बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देते हैं। शुरू के एक दो साल तो आपको महसूस ही नहीं होगा, आप उसे इग्नोर करते रहोगे। बाद में धीरे धीरे वो गड्ढे कैविटी का रूप ले लेंगे और आपके दांत को इन्फेक्टेड करेंगे, परेशान करेंगे, आपको दर्द देंगे। ऐसे में आपको इनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ये है कि आप इन पर सीलेंट की एक सुरक्षा कवर चढ़वा ले। मैं आगे इसके विषय में बतलाऊंगा। तो कुसुम जी, अगर आपको इस टाइप के गड्ढे आपके दांतों में दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रिवेंटिव करा लें। जब आप अपने दांतों को सफाई के लिए डेंटिस्ट के पास गई होगी तो आपको अपने अंदर की जाड़ में इस टाइप की संरचनाएं दिखाई दी होंगी। अगर इन संरचनाओं को देखा जाए, ये हल्के हल्के गड्ढे हैं, पिट्स हैं, जो कि भोजन के समय भर जाती हैं, गड्ढे भर जाते हैं, खाना उनमें भर जाता है। अब ये बहुत बारीक और बहुत छोटे गड्ढे होते हैं, जिसके कारण ब्रश भी वहाँ पर सफाई नहीं कर पाते। तो ऐसे में इनका प्रिवेंटिव बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बेहद आवश्यक है। इसमें क्या किया जाता है कि आपके जो गड्ढे हैं, जैसे ये गड्ढे हैं, दरारें हैं, तो इन दरारों में एक लेयर भर दी जाती है, एक सुरक्षा कवर चढ़ा दी जाती है, जो कि इन छोटे छोटे खांचों को कवर कर लेती है। जैसे कि ये कवर किया गया है, ये यहाँ पर कवर किया गया। आप दांत में देख सकते हो कि इस वाले दांत में ये हल्की हल्की दरारें, गड्ढे, खांचे दिखाई दे रहे हैं और इनमें ये खांचे भर दिए गए हैं। तो आप घबराए नहीं। तो टेक्निकल कुसुम जी, अगर आपको डॉक्टर ने पिट्स के विषय में कहा है, यानी कि दरारे, गड्ढे, खांचे जो भी आपके दांत में हो गए हैं,
आप उनका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करा लें। एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें दांतों पर एक सुरक्षा कवर चढ़ा दी जाती है और वो सुरक्षा कवर उन गड्ढों में जाकर बैठ जाती है और ये बेहद चिकनी होती है, इन पर भोजन के कण चिपकते नहीं और दांत का जो काम है भोजन को चबाने का उसमें इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। और आप अपना टूथपेस्ट वगैरह जो भी दांतों की सफाई में यूज करते हैं वो भी सही काम करता है। तो इस प्रकार आपके दांत की सुरक्षा हो जाती है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आप इनमें लापरवाही करते हैं तो आगे जाकर ये कैविटी का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद आपके दांत को घिसकर उन पर कैप भी चढ़वाने की नौबत आ सकती है और कैविटी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें आरसीटी भी करनी पड़ती है। आरसीटी करने के बाद फिर कैप लगाना पड़ता है। या फिर अगर कैविटी छोटी है तो उसमें मसाला भरा जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके से आपके दांत बचाए जा सकते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आपके दांत में ये प्रारंभिक लक्षण है तो आप इसमें सीलेंट का प्रयोग करा लें। सीलेंट करा लें, दांतों को सील करा लें। सील कराने से आपके दांत में जो कमी आई थी अभी तक वो रुक जाएगी और आपके दांत सालों साल चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सीलिंग कितने समय तक चलती है, भाई ये सालों साल चलेगी। भाई बहुत छोटी छोटी सी दरारें हैं उनमें एक लेयर बैठ जाएगी और वो लेयर जल्दी से निकलेगी भी नहीं। अगर आपके दांत में ऐसी दरारें हैं और दर्द नहीं होता, दर्द होता तो भी आप उसकी सीलिंग करा ले, दांतों को सुरक्षित करा ले, वरना आगे जाकर आपके दांत की हालत बिगाड़ सकता है। तो टेक्निकल कुसुम जी, आपको अंतर नजर आ गया होगा, ये दांतों की कैविटी बनने के शुरुआती लक्षण है, या यूं कहिए कि आपके दांत में अगला जो स्टेप आएगा वो कैविटी का रूप लेगा। तो आप इसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करा लीजिए ताकि दांतों की लाइफ बढ़ सके। तो टेक्निकल कुसुम जी, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपका ऐसा कोई सवाल था तो आपको जवाब उसका मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है, कोई और शंका है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और दोस्तों, आपके सवाल या कुछ भी वीडियो रहती है, आप उस पर लाइक बहुत कम करते हैं, व्यूज काफी आ जाते हैं पर लाइक्स बहुत कम आते हैं, 6-7 आते हैं। कृपया करके आप लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, हौसला बंधे आपके लिए कुछ करने का। दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जानकारी आपसे शेयर करूँ, इसमें कोई खर्च नहीं होता। तो जब खर्च नहीं होता, आपका कोई नुकसान नहीं होता, तो आप लाइक कर दीजिया कीजिए। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जिसमें आपके दांतों में कैविटी बनने की शुरुआत हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।